नमस्कार। मकर राशि पर 16 जुलाई से 16 अगस्त तक जो विशेष ग्रहों के परिवर्तन है और जो आपको पॉजिटिविटी प्रदान करने वाले ग्रह आए हैं उनको जानना आवश्यक है। उन्हीं के विषय में हम अगले 5-7 मिनट में आपको विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश करेंगे तथा मकर राशि पर इन ग्रहों का ट्रांजिट 12 तारीख से इफेक्टेड होगा, लेकिन 16 तारीख से जो सूर्य का संक्रमण है उसके आने से जो खास परिवर्तन मकर राशि के लिए हुआ है उसके ग्रहों का विश्लेषण पूरा आपको मिलेगा। ये मकर राशि है, इसके सप्तम भाव में केंद्र में ये मकर लग्न और मकर राशि दोनों पर इफेक्टेड होगा। यानी कि जब गोचर ग्रह लगन से या राशि से पंचम भाव में, ये पंचम भाव है मकर राशि का, मकर राशि को हम यहां रखेंगे तो ये यहां आएगा। तो इस प्रकार से मकर राशि अपने आप में भाग्यशाली राशि क्यों हुई, क्यों इसका दुगना प्रभाव बढ़ा। और कुछ मकर राशि वाले ऐसे भी हैं जिनके जन्म लगन के अंदर शनि वक्री है, रेट्रोग्रेड मोशन में पहले से ही है, लेकिन कुछ का पंचम, किसी का छठा, किसी का द्वादश, किसी के लग्न में, किसी के सप्तम। तो मकर पर अगर वक्री है तो ज्यादा इफेक्टेड है, लेकिन जिनका नहीं भी है उनके लिए भी सुनिए, सबके लिए एक ही प्रकार का फल होगा। अब ध्यान दीजिए कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जब 16 तारीख को दशमी और मंगलवार के दिन 11:19 पर सूर्य का जो संक्रमण काल है कर्क राशि पर होगा, ये 30 अंश तक कार्य करेगा और ये क्रम से पुनर्वसु एक चरण, चार चरण पुनर्वसु के बाद पुष्य और फिर चार चरण आश्लेषा नक्षत्र, बुध का जो नक्षत्र है। सीक्वेंस देखिए कितना अच्छा है, बृहस्पति शनि और बुध ये तीनों पावरफुल ग्रह बने हुए इस समय। मकर राशि पर जब वक्र गति से ये शनि का प्रभाव 29 जून से चल रहा है और 15 नवंबर तक चलेगा, तो जिस प्रकार बाली और सुग्रीव दो भाई थे तो बाली जो है आधा बल अपने अंदर समाहित कर लेता था लड़ाई करते समय, युद्ध के समय, ठीक इसी प्रकार मकर राशि पर आधा जो प्रभाव है शनि का आधा कुंभ पर है आधा मकर राशि पर, लेकिन दोनों राशियों का स्वामी शनि है, तो इसीलिए पॉजिटिविटी के साथ देखें तो अच्छा रहेगा। अब साथ में चर्चा करते हैं कि आपके पराक्रम स्थान पर बैठे हुए राहु त्रिखटे एकादशी, राहु त्रिखटे एकादशी भाव में सर्वारिष्ट निवारणम, सभी अरिष्टों का नाश करने के लिए राहु है, साथ ही साथ आपके भाग्य स्थान का स्वामी बुध और दशम कर्म स्थान राजदरबार नौकरी इंक्रीमेंट प्रमोशन सबका स्वामी तथा भाग्य का, दोनों भाग्य और कर्म दोनों मिलकर के केंद्र में आ गए। केंद्र में आने के पश्चात भले ही वहां पर राहु की दृष्टि हो, क्योंकि राहु की पंचम नवम तीसरी और दसवीं और सातवीं ये दृष्टि होती है, शनिवत राहु कुजवत केतु ये दृष्टि, पंचम नवम और सप्तम दृष्टि ये जग जाहिर है सब जानते हैं, और साथ ही साथ राहु की दृष्टि आपकी कुंडली में बैठे हुए पंचम भाव बृहस्पति और मंगल सेनापति और देवाधिदेव यानी के देवों के गुरु बृहस्पति
बृहस्पति देव के ऊपर राहु की दृष्टि, जो निष्क्रिय और नगण्य निष्प्रभावी हो गई है, उसका प्रभाव नहीं है, क्योंकि वहां पर बृहस्पति इस संसार में इस बात के लिए जाने जाते हैं कि लग्न केंद्र पंचम और नवम का कारक बृहस्पति देव माने गए हैं। जब बृहस्पति देव पंचम में होते हैं तो उनकी शक्ति, उनकी ताकत, उनकी तर्क शक्ति, उनका बल, उनकी ऊर्जा तथा अमृत तत्व बरसाने की शक्ति तभी आती है जब वो केंद्र में होते हैं या स्थिर राशि में होते हैं, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि में। यानी कि आप देखेंगे इस संसार के अंदर भारत एक ऐसा देश है जहां पर समुद्र मंथन के पश्चात चार तीर्थ ऐसे हैं, हरिद्वार, उज्जैन, प्रयाग और नासिक, चारों स्थिर राशियां हैं, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। या इन राशियों में जब बृहस्पति का संक्रमण संचरण होता है 13 महीने एक साल के लिए, तब तब इन तीर्थ स्थानों पर कुंभ, अर्ध कुंभ और महाकुंभ का आयोजन इसलिए होता है क्योंकि अमृत तत्व की बूंदे इन इन स्थानों पर, वहां वहां कलश रखा गया था, अमृत बूंद छलकती है, छलक गई थी, इसलिए बृहस्पति जब जब इन राशियों में आता है तो अमृत तत्व प्रदान करता है उन राशियों को। तो क्यों ना पंचम भाव आपका शुभत्व प्राप्त करेगा और साथ में मंगल आपका चतुर्थ एवं लाभ स्थान का स्वामी भी मंगल उनके साथ बैठ करके आपको हर प्रकार की सुख सुविधाएं, मान सम्मान, तरक्की, संतान के लिए अत्यंत शुभ तथा इनकम हाउस को पल्लवित, पुष्पित, पोषित और प्रफुल्लित करता है। क्यों करता है? क्योंकि एकादश भाव में आपके मंगल है, वहां पर दृष्टि बृहस्पति और मंगल की है। अब हम आपके लिए विशेष उस बात की चर्चा करेंगे कि 16 जुलाई से और 16 अगस्त तक कौन कौन सी तारीख ऐसी हैं जिनमें आपको प्रिकॉशन लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी, उसमें लेन देन अच्छा करें, लड़ाई झगड़े से बचें, ड्राइविंग अच्छी करें, लाइफ स्टाइल ठीक रखें, खान पान अच्छा रखें और अपने इष्ट मित्र, ऐसे जो गलत इष्ट मित्र हैं उनसे बचने की कोशिश करें, नहीं तो वो आपको गलत मार्ग पर ले जा सकते हैं। ऐसे मित्रों का चयन करें जो आपको सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते हों। अब हम अलर्ट डेट की बात करेंगे। देखिए 19-20 ये जो तारीख है 19 और 20 जुलाई आपके लिए अच्छा फल नहीं देंगी। इन दोनों तारीखों में से आपको सचेत होकर चलना चाहिए। इसके अलावा आपका जो 19 घड़ी पर मेष राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे 27 को और 28 तक रहेंगे, ये जो दो तारीखें हैं ये आपके लिए अच्छा परिणाम नहीं देगी। 27, 28 और 29, 29 जुलाई, इसके पश्चात आपको ध्यान देना है 8, 9, 5, 6, 7 अगस्त को, ये जो तारीखें हैं आपके लिए शुभ परिणाम नहीं देगी। दोबारा रिपीट करता हूं, 5, 6 और 7 अगस्त को चंद्रमा आपके लिए अनुकूल फल प्रदान नहीं करेंगे, इसलिए उस दौरान अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, सकारात्मक भाव रखें, व्यर्थ की यात्रा ना करें, व्यर्थ के विवाद से बचना है, अच्छी ड्राइविंग करनी है। इसीलिए सभी भाई बहन और सीनियर सिटीजन सबको मैं यही बताना चाहूंगा, मकर राशि के लिए सकारात्मक प्रभाव होंगे। जिनको नौकरी से संबंधित समस्याएं चल रही थी या
आपकी फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड समस्या थी उनके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और ये जो सूर्य का ट्रांजिट है, जो शेयर मार्केट जैसी या ट्रेडिंग का काम करें, संभल करके कार्य करें, बस इतना ही काफी है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।